हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर। न्यू गैजेट नगरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर एक नया प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। ये जो मैं लेकर आया हूँ, ये सोल्डरिंग आयरन लेकर आया हूँ। और इसको ओपन करने से पहले, इसका रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हो, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन है वो भी दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स, ये जो आयरन है, इसको ओपन करने से मैं बता देता हूँ, ये एक ही आयरन के अंदर दो आयरन लगते हैं। मतलब इसका एक बेस मोल्ड आएगा, उसके अंदर दो आयरन हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर नॉर्मल बिट और मोटी बिट हम कोई सी भी इजीली लगा सकते हैं। और ये किस रेंज में मिलेगा, आपको काफ़ी सारे भाई हमारे को डाउट रहता है, तो मैं आपको बता दूँ एक बात के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रहे हैं आप, उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और वहाँ से इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये कितने का होगा। मैं आपको क्वालिटी दिखा रहा हूँ सिर्फ। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, बॉक्स के अंदर से फिर दो बॉक्स निकलते हैं, और दो बॉक्स जो निकलते हैं, इनके अंदर क्या निकलता है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पहला बॉक्स खोला। पहला बॉक्स खोलने के बाद इसके अंदर हमें इस टाइप का एक ये निकलता है आयरन। और ये जो आयरन है हमारा, ये बिट इसमें इजीली ऐसे लगा सकते हैं हम, और ऐसे लगाने के साथ साथ हम इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो होगा हमारा एक इस टाइप से हैंडल, और दूसरा हमारा जो हैंडल है वो इस टाइप से, वो दूसरा हैंडल है हमारा। ये जो है, ये किस काम आएगा, आपके मन में भी एक विचार होगा। इसके अंदर एक बिट आती है थोड़ी लंबे वाली, वो बिट इसके अंदर लगती है। मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। और फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने से पहले मैंने जो अभी आपको बोला था कि मैं आपको दूसरी बिट दिखा देता हूँ, वो दूसरी बिट जो होगी हमारी इस टाइप की होगी। ये काफ़ी अच्छी बिट है। अब कर मैं इसको, ये देखिए इजीली ये लग गई। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको बिट शायद दिख रही है या नहीं। एक तो ये बिट होगी, और अपना एक जो नॉर्मल काम करने के लिए होती है, ये वाली बिट होगी। ये वाली जो बिट इसके अंदर हैंडल में लगी हुई है, इसके अंदर कितनी बिट लग सकती है, मैं आइडिया बता देता हूँ। 13-14 बिट आती हैं जो इस वाले हैंडल में ईजीली लग जाती हैं। चलिए हम इन दोनों को साइड कर देते हैं। और वो जो मैं आपको बेस मोड दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो इनका कंट्रोलर होता है, वो ये कंट्रोलर होता है। इस कंट्रोलर की मदद से आप इन दोनों आयरनों को इजीली यूज़ कर सकते हैं, और कितना टेम्परेचर पे यूज़ करना है, कितना नहीं, वो भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं, बॉक्स खाली, और मेरे पास एक केबल और है। ये जो केबल है, जैसे मैंने बताया था कि ये अर्थिंग के लिए पीछे लग जाती है, और इसको हम कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं, जिससे कि हमारे हाथ में अर्थिंग ना आए। इसलिए फ्रेंड, चलिए हम इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसके अंदर एक पावर केबल पीछे से लगा रहा हूँ, और पावर केबल लगाने के बाद ये तक इसके अंदर आप डिस्प्ले आ गई है, ये ऑन हो चुका है। ये जो डिस्प्ले, ये तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम ये दोनों पैन इसके अंदर नहीं लगाते, और दोनों पैन हम इसके अंदर लगा देते हैं, ये देखिए। और इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि हमारा इजीली कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये जो हमारा टेम्परेचर है, ये देखिए टेम्परेचर ऊपर चढ़ने लग गया इसका। और एक पैन दूसरा हमारा ये रहा, इसको भी हम इजीली इसमें लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर दोनों पैन लगा दिए, और दोनों पैन हमारे इधर से हीट होना चालू हो गए, दोनों हीट होना चालू हो गए। और हीट होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, फिर आप सोच रहे होंगे इसको रखेंगे कैसे, तो रखने के लिए फ्रेंड्स हमें एक इस टाइप का स्टैंड मिलता है, ये रहा। और इसके अंदर एक हमारी बिट साफ करने के लिए क्लीनर भी होता है, बिट क्लीनर। और इस पर अगर हम पानी डालेंगे तो एक क्लीनर ये होता है, इस पर हम इजीली अपना पैन रख सकते हैं। ये देखिए, इजीली इस पर हम पैन रख सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि दूसरा आयरन, इसके लिए आपको एक स्टैंड मार्केट से परचेस करना पड़ेगा, या जिस टाइम भी आप ऑर्डर दे रहे होंगे तो साथ में अगर आप बोलेंगे तो आपको स्टैंड मिल जाएगा तकरीबन 150 या 200 रुपये का। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।